देसी कट्टा एक घातक हथियार है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा आपराधिक वारदातों को देसी कट्टे से ही अंजाम दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देसी कट्टे और पिस्टल के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं देसी कट्टे की। तो आपको बता दें कि देसी कट्टा एक अवैध हथियार है। इसे अपने पास रखना या इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि इसका कोई लाइसेंस भी नहीं होता है। देसी कट्टा रखने पर 1 साल की सजा और 500 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है, जबकि इसके इस्तेमाल पर अलग सजा का प्रावधान है। इसकी लोकप्रियता इसलिए ज्यादा है क्योंकि बंदूक या पिस्टल जहां लाइसेंस के बाद ही मिल पाती है, तो वहीं देसी कट्टा बिना लाइसेंस के भी मिल जाता है। बंदूक या पिस्टल जहां 50,000 से 1,00,000 रुपये के बीच आती है, तो वहीं देसी कट्टा महज 4,000 से 5,000 रुपये में मिल जाता है। इसको लेना बहुत ही आसान है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से देसी कट्टा बनाने के कारखाने चलते हैं। इसकी गोलियां भी आसानी से मिल जाती हैं। गोलियां चलाने का हिसाब किताब भी नहीं रखना पड़ता है। इसके नुकसान की बात करें तो वो यह है कि फायरिंग करते समय इसकी नाल फटने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, जिससे फायर करने वाले की जान भी जा सकती है। दूसरा यह है कि देसी कट्टे से एक बार में एक ही गोली चलाई जा सकती है। वहीं ज्यादा दूरी पर फायर करना हो तो वहां भी देसी कट्टा काम नहीं करता है, क्योंकि इसकी रेंज कुछ मीटर तक ही होती है। अब बात करते हैं पिस्टल की। आपको बता दें कि पिस्टल एक वैध हथियार है। इसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस मिलने के बाद ही आप अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कट्टे के मुकाबले पिस्टल काफी ज्यादा महंगी होती है। हालांकि इस्तेमाल करने में यह कट्टे के मुकाबले काफी सुरक्षित होता है। फायर करते समय नाल फटने का खतरा इसमें ना के बराबर होता है। कट्टा जहां कुछ मीटर तक ही फायर कर सकता है, तो वहीं पिस्टल से आप काफी दूर तक निशाना लगा सकते हैं। पिस्टल की गोलियों का हिसाब किताब भी रखना होता है। लाइसेंसी पिस्टल को आप अपनी सुरक्षा के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।